गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम एक्सेल का सेशन नंबर 9 करने जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में यूज किया था कि ऑटो फिल्टर से रिगार्डिंग, तो हमने दो तरीके के ऑप्शन यूज करने सीखे थे कि हाउ टू यूजिंग द ऑटो फिल्टर इन टेक्स्ट और नंबर वैल्यूज। इसी सेशन को हम आगे इंक्रीज करते हैं। तो अब हम जो सेशन नंबर 9 करने जा रहे हैं, इसमें हम जैसे एक तो फिल्टर यूज करेंगे डेट टाइम फिल्टर। डेट का मीनिंग क्या आपको बताया था कि जिसमें MMDD YY फॉर्मेट में जो वैल्यूज डली हुई हैं वो वैल्यूज डेट वैल्यू कहलाती हैं। तो जैसे डेट फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ गया डेट फिल्टर। तो अभी एक तो ईयर वाइज देख सकते हैं कि जैसे आपको अगर मान लीजिए 2020 और 19 के रिकॉर्ड देखने हैं तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये वो सारे रिकॉर्ड आ गए जो 1920 के रिकॉर्ड हैं। अगर सारे रिकॉर्ड दोबारा देखने हैं तो क्लियर ऑल कर दीजिए। अगर आप सेशन वाइज नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख सकते। हमें पिछले साल के रिकॉर्ड देखने तो लास्ट ईयर डाल दीजिए। दैट इज ऑल रिकॉर्ड जो किस में हैं 2020 के हैं। तो इसमें अगर डेट वाइज रिकॉर्ड अलग तरीके से डले हुए, मान लो आप कंटिन्यू डेट वाइज डालें तो बिफोर वीक, नेक्स्ट वीक, करंट वीक, उसके अकॉर्डिंगली भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ऑल दीज आर द टेक्स्ट फिल्टर। अब हम कलर फिल्टर यूज करते हैं। तो कलर फिल्टर के लिए एक बार कुछ सेल्स में कलर डाल दीजिए। जैसे पहले सेल्स को सिलेक्ट करें और कोई भी एक कलर असाइन कर दें। मान लो मैंने इसका येलो कलर असाइन डाल दें। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि अगर वही सेम फॉर्मेटिंग आपको मल्टी सेल्स में अप्लाई करनी है तो अगर एक बार क्लिक करते हैं तो एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो मल्टी टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हैं। कहीं भी क्लिक करते जाए तो उन सेल का कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई दूसरा कलर असाइन करना है तो अगेन सिलेक्ट द सेल, मान लो सभी पे ही ले लेते हैं, एंड देन असाइन द नेक्स्ट वन कलर। जैसे मान लो एक और कलर असाइन कर देते हैं, मान लो ग्रीन डाल दिया आपने, अगेन डबल क्लिक करिए और क्लिक करते चले जाओ। ठीक है, अब मान लो फिल्टर बाय कलर करते हैं तो कलर फिल्टर यूज हो जाएगा कि बस फिल्टर बाय कलर। तो येलो डालोगे तो सिर्फ येलो के रिकॉर्ड अलग हो जाएंगे और अगर ग्रीन डालोगे तो ग्रीन के रिकॉर्ड अलग हो जाते हैं, और क्लियर कर दोगे तो सारे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अब वो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं इसमें कलर फिल नहीं है तो नो फिल ऑप्शन डाल दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिल्टर बाय क्या हो गया, कलर। तो अभी तक जो हमारा सेशन था उसमें हमने सिर्फ क्या यूज करना सीखा कि हाउ टू यूजिंग द ऑटो फिल्टर। नाउ एडवांस फिल्टर यूज करते हैं। एडवांस फिल्टर हमेशा एक से ज्यादा फील्ड पे अप्लाई होता है। तो एक से ज्यादा फील्ड पे अप्लाई होने का मतलब आप कोई भी दो फील्ड ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक फील्ड ले लिया एम्प्लॉय नेम, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कहीं भी सीट में जाके कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और एक आपने ले लिया इसमें से मान लीजिए टोटल सैलरी, कॉपी किया और यहां पे टोटल सैलरी में जाके इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो दो फील्ड हमने ले लिए, एक नेम हो गया और दूसरा हमने टोटल सैलरी डाल दिया। अब कोई भी कंडीशन यहां पे लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक बंदे का नेम डाल दिया कि जैसे इसका नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए। सपोज जैसे कुछ नेम आपके पास होने चाहिए जो रिपीट्स हो रहे हैं रिकॉर्ड, उस नेम के रिकॉर्ड आप ले लीजिए यहां पे। जैसे कि पी डाल दिया मान लो, या आर डाल दिया कि उस बंदे का नाम आर से स्टार्ट होना चाहिए और उसकी टोटल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहां पे आपने आर से देख रहे हो तो ऋतिक से हो रहा है और आपके पास आर से, और मैं एक दो रिकॉर्ड डाल देता हूं यहां पे, मान लो वरुण की जगह मैंने मान लो रमेश डाल दिया। ठीक है, तो और उसकी सैलरी आपने डाल दी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो दो कंडीशन, मतलब जब भी आप एडवांस फिल्टर यूज करते हैं तो आप कोई भी दो फील्ड अलग कर लीजिए जिसके अकॉर्डिंगली आपको एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है और कंडीशन इस टाइप से डाल दीजिए। नाउ गो टू द डेटा
अपना सेल जो है वो कर्जर जो है वो इस सेल के बीच में कहीं भी रखिए। गो टू द नाउ डेटा ऑप्शन, डेटा में जाके एडवांस ऑप्शन आएगा। तो जब भी अगर आपका सेल उसके बीच में कहीं भी है तो ये सेल रेंज अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगी। ओके, नाउ क्राइटेरिया रेंज, दैट इज द क्राइटेरिया रेंज जिसपे आपने कंडीशन डाली हुई है, ये आपकी क्या हो गई, क्राइटेरिया रेंज हो गई। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। तो एक ही बंदा हुआ जिसका नाम आर से स्टार्ट है और जिसकी टोटल वैल्यू 50,000 से अबो है। नाउ एक बार सारे रिकॉर्ड दोबारा देखने, तो यहीं पे क्लियर ऑप्शन है, क्लियर कर दीजिए, सारे रिकॉर्ड दोबारा से हो जाएंगे। फिर से देखिए एक बार दोबारा, एडवांस फिल्टर में गए, रेंज अपने आप आ जाती है, क्राइटेरियंस गिवन थी। कॉपी टू अनदर लोकेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप उसको किसी दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं। अभी हमने जो देखा एडवांस फिल्टर में, उसमें क्या था कि आपने जितने भी रिकॉर्ड डाले हैं वो रिकॉर्ड आपके पास क्या हो गई कि आपके उसी सीट में से अलग हो गए थे। हम चाहते हैं रिकॉर्ड अलग नहीं होने चाहिए, बल्कि आप जो रिकॉर्ड कंडीशन से मैच होते हैं वो किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाएं। दूसरी लोकेशन कहीं भी आप इस पर क्लिक करके और एक कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके पे क्लिक कर दो, बस कुछ नहीं करना। और देन वो रिकॉर्ड वहां से चेंज नहीं हुए बल्कि यहां पे आपके पास क्या हो गई, पेस्ट हो गई। तो इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो दैट इज द कौन सा फिल्टर यूज हो गया आपके पास, एडवांस फिल्टर। एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे अभी एक ही नाम दो बार रिपीट हो रहा है, तो अगेन क्लिक ऑन द एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अंदर द लोकेशन भी डाल दिया आपने। अब एक ऑप्शन और है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, कि अगर कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट है तो वो डुप्लीकेट टाइम पेस्ट नहीं होना चाहिए, एक ही बार पेस्ट होना चाहिए। तो आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, यूनिक रिकॉर्ड ओनली एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। अगर अब देखिए इसमें क्या चीज डिफरेंट है, एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है। तो अगर एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है तो इसलिए वो रिकॉर्ड दोबारा से रिपीट हो गया। अगर एम्प्लॉय कोड भी वहां पे सेम होता तो रिकॉर्ड दोबारा से पेस्ट नहीं होता। तो अगर कोई भी रिकॉर्ड वहां पे डुप्लीकेट अगर आपको मिलता है तो उस रिकॉर्ड्स को आपके वहां पे प्रिंट नहीं करेगा। तो ये आपके पास कौन सा फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर का बेनिफिट ये हुआ कि आप जो जो रिकॉर्ड कंडीशन से मैच होते हैं उनको आप उसी सीट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या हो गया कि वी कैन नॉट पेस्ट इन द अनदर सीट, कि आप उन रिकॉर्ड को दूसरी सीट पे आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेम सीट पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, दूसरी सीट पे उसको नहीं ले जा सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 9 जिसमें हमने ये यूज करना सीखा कि हाउ टू यूजिंग द एडवांस फिल्टर इन एक्सेल।